नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको क्रोशिया की कोटी की डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, स्टार्टिंग से बता रही हूँ मैं। पहले हम आपको जितनी बड़ी कोटी बनानी है उस हिसाब से आप चेन बना लें। जिसके लिए कोटी बनानी है उसकी कमर पर रख कर देख लें, अगर ये सही आए चेन तब आप स्टार्ट करें। ऐसे ही पूरी चेन बना लेनी। ये देखिए, मैंने चेन बना ली है। अब इसके बाद हमें यहां से स्टार्ट करना है। मैंने ये निकाला सिंपल से। ये दो बार निकाला है मैंने। फिर आप टाइट से दो की चेन ले लेंगे। ये मैंने टाइट कर दिया है। फिर एक को छोड़कर दूसरे में से लेना है। यहां से ले लिया, फिर अगले में से लेंगे। अब मैं यहां पर चार बार बनाऊंगी इस तरह। फिर मैं दो की चेन लूंगी टाइट करके। फिर ये एक छोड़कर दूसरे में से निकालूंगी। फिर यहां पर ये चार बार निकालना है इसी तरह से। एक बार हो गया, दो, तीन, चार, फिर से दो बार, एक को छोड़कर। ऐसे ही आप इस पूरे पे बना लें। ये देखिए, ये मैंने पूरा कर लिया है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसे। एक बार इस तरह बनाकर बीच में हमने ये चार की चेन ली थी, जिसमें से हम बीच वाले में से फिर से हम इस तरह से टाइट निकाल देंगे। और अब हम जो हमारी ये बीच में जाली बनी है इसमें से हम इस तरह से निकालेंगे। इसी में से निकालना है बार बार। देखिए, इसी तरह बनाना है। कि देखिए, इस तरह से मैंने पूरा बना लिया है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। पहले ये दो की चेन बना लें आप, और जो हमने ये चार बार निकाला था उसमें से बीच में से एक बार सिंपली इस तरह से बना लेंगे। फिर जो हमारी बीच में चेन बनाकर जो जाली बनी थी इसमें से बनाएंगे। और ये थोड़ा लूज रखें, देखिए, ये लेकर इसमें से निकाला है मैंने, मैंने लूज कर लिया। एक, दो, तीन, चार, पांच,
एक ही में से निकाल रही हूँ मैं बार बार। ठीक, सात, आठ, नौ और 10, ये हो गए 10। अब फिर से हमारे जो ये बीच में से मैंने 4 निकाले थे, इसमें बीच में इस तरह से टाइट से निकाल कर इस तरह से बांध दिया है। फिर हम अगले में से फिर से जो ये जाली बनी है इसमें से 10 बार इसी तरह निकालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ दस, ये हो गया। फिर से हम जो ये बीच में 4 बार निकाला है इसमें से इसको यहाँ पर टाइट से बांधकर अगली जाली में से भी इसी तरह निकालेंगे। ऐसे ही हम पूरा बना लेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मैं इसको यहाँ पर ये यहाँ हो जाए तब आप चेन बनाई मैंने, उसके बाद यहाँ पर जोड़ दी। एक और चेन, एक और, इसके बाद आप 3 की चेन बनाइए और यहाँ पर नीचे की तरफ से इसको निकालना है। यहाँ पे आप फिर से चेन बनाएंगे, 4 की चेन बनाइए और फिर से यहीं से निकालना है। ये देखिए, फिर से 3 की चेन और इसको भी यहाँ पर से जोड़ देंगे। चेन बनाई थी इनकी, उसमें नीचे से ये निकाला, फिर 4 की चेन फिर से इसी जगह से निकालना है। तीन की चेन और ये दो छोड़कर तीसरे में से यहां से ले लेना। इसी तरह से इसको पूरे को बना लेना।
ये देखिए, ये यहाँ इस पे मैंने पूरे पे इस तरह से बना लिया है। अब हम इसकी साइड में इस तरह से लेकर इसके बीच में से हम ऐसे ले लेंगे, फिर हम इसको लूज रखेंगे और जो ये बनाया है इसमें से हम 10 बार इसी तरह से बनाएंगे। ये हो गया, इसको फिर से हम यहां से इस तरह से बांधेंगे। ऐसे ही अब इसमें से बनाएंगे 10 बार। इसी तरह से सब में बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इसका एक लाइन। अब मैं यहाँ पे धागा बांध दिया, यहां से मैं ये दूसरी कली स्टार्ट कर रही हूं। तो मैं यहां पर इसको इससे एक बार और लिया मैंने, ये दो की जाली बनाकर इस तरह से निकाल दूंगी। और यहाँ बीच में से बनाऊंगी। इसी में से निकालना है आपको बार बार। ये देखिए, ये आ गया इस तरह से। अब हम फिर से इसको यहाँ पर जोड़ दिया। दो की चेन बनाई और एक बार इसमें से फिर से निकाल कर इधर से जैसे हमने इधर निकाला ऐसे ही अब इधर फिर से निकालेंगे।
ये देखिए इसी तरह से इसमें हम दो की चेन बनाकर दो बार निकालेंगे। एक बार निकाल दिया था, फिर दो की चेन बनाकर फिर से निकाला है। फिर ये अगले में और यहाँ से फिर ये इस तरह से बनाएंगे। आठ बार बना रही हूँ मैं। ऐसे ही हम सब में इधर बीच से निकालेंगे इसी तरह से। ये देखिए ये इस तरह से बन गए हैं पूरे में। अब मैं यहाँ पे दूसरे स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो हमने बीच में दो की चेन बनाकर लिया था अब उसी से बनाना है हमें। आपको ये बिल्कुल लूज लेना है ताकि ये बड़े बने। ये देखिए ये 10 बन गए। अब हम इसमें बीच में यहाँ पर इस तरह से बन गए। इसके बीच में ये दो की चेन बनाई और इसमें लेकर और फिर से हम यहाँ बीच में से 10 बार इस तरह से निकालेंगे। ये बिल्कुल लूज रखना है। इसी तरह से ये बन गया है। अब अगली बार भी हमें ऐसे ही बनाना है। ये 10 बन जाएंगे। फिर अगले में हम पीछे की तरफ से बनाएंगे। इसमें बीच में से हम इस तरह से 10 बनाएंगे और यहाँ पर एक बीच में इस तरह से जाली डाल देंगे। ऐसे ही बनाना है ये पूरा।